टोक्यो सरकार और हम यानी खबर अब तक कह रहे हैं कि आप घरों से बाहर नहीं निकले। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आप खुद बखुद समझ जाएंगे, क्योंकि फरीदाबाद में कोरोना वायरस के एक और केस की पुष्टि होती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य विभाग ने पीड़ित की रिपोर्ट पुणे फिलहाल भेजी है, इसलिए कहा जा रहा है कि ये लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, आप घर पर रहिए। निजी अस्पताल में लैब इंचार्ज बताया गया है पीड़ित व्यक्ति। फिलहाल ये जानकारी मिल पाई है कि इस मरीज की पुष्टि हो चुकी है, लक्षण पाए गए हैं कोरोना वायरस के। जो भी जानकारी है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने पीड़ित की रिपोर्ट पुणे भेजी है, अब देखना होगा कि क्या वहां से भी पुष्टि होकर आती है या नहीं इस मरीज की। और हैरान की बात है कि निजी अस्पताल में ये लैब इंचार्ज है और उसी को कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं, पुष्टि फिलहाल बताई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने ये जानकारी अपनी ओर से दे दी है। फरीदाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले भी फरीदाबाद से एक केस सामने आया था, उसके बाद कुछ और जानकारी मिल पाई थी कि लगातार लक्षण मिल रहे हैं फरीदाबाद में लोगों में। फरीदाबाद ऐसा जिला था जो 7 जिलों में शुमार था सबसे पहले जब लॉकडाउन किया गया था, हरियाणा सरकार की ओर से फैसला लिया गया था, उसके बाद पूरे हरियाणा में लॉकडाउन किया गया था। और ये भी सरकार जानती है कि ये भी एक ऐसा जिला है जहां पर लग रहा है कि और भी लक्षण वाले मरीज पाए जा सकते हैं कोरोना वायरस के, इसलिए एहतियातन तौर पर कई कड़े फैसले यहां पर लिए जा रहे हैं। दीपक गौतम हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। दीपक, पुणे रिपोर्ट का इंतजार करना होगा या माना जाए कि पॉजिटिव केस है एक और फरीदाबाद से? जी बिल्कुल, एक और पॉजिटिव केस फरीदाबाद से आ गया है। निजी अस्पताल है ये, जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि आईसीयू इंचार्ज है ये, और इनको कोरोना वायरस की पुष्टि जो है वो दिल्ली की रिपोर्ट में हो चुकी है। और स्वास्थ्य विभाग आज शाम तक इसकी पूरी तरह से घोषणा कर देगा। जो लिस्ट स्वास्थ्य विभाग की आती है उसमें ये शामिल है। दिल्ली की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि एक और कोरोना का पेशेंट फरीदाबाद में आ गया है। दर्शकों को अपडेट दीजिए, अभी तक फरीदाबाद से कितने टोटल केस आ चुके हैं पॉजिटिव? अब दूसरा पेशेंट कोरोना जी जी बिल्कुल कमल, अब तक की अगर हम बात करें तो ये दूसरा केस होगा फरीदाबाद से जो कि कोरोना पीड़ित पाया गया है। इससे पहले स्पेन से एक महिला लौटी थी, उसको कोरोना के लक्षण पाए गए थे, उसकी रिपोर्ट में पुष्टि हुई थी कि ये कोरोना की पेशेंट है। और उसके बाद अब जो बात आ रही है सामने वो ये कि जो आईसीयू इंचार्ज है उनको भी पुष्टि हुई है कोरोना वायरस की। स्वास्थ्य विभाग इस रिपोर्ट को भी, जैसा कि पहली रिपोर्ट के साथ हुआ था, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजेगा। पुणे रिपोर्ट जानी है, लेकिन ये बात पूरी तरह कंफर्म है। वो विदेश से संबंधित था, स्पेन से महिला आई, लेकिन ये फरीदाबाद का ही रहने वाला है लैब इंचार्ज, ये आप कह रहे हैं दीपक, ये चिंता का विषय है। क्या इनकी हिस्ट्री क्या है? ये लैब जी देखिए, लैब इंचार्ज नहीं, ये आईसीयू इंचार्ज है और ये पूरी तरह से महिला का जो इलाज है उस इलाज को करने के दौरान महिला के टच में आया, महिला के संपर्क में ही आया। और उसके बाद अब जो स्थिति सामने आ रही है कि इसकी सुधार करते हैं, ये लैब इंचार्ज नहीं है, ये आईसीयू का इंचार्ज है जो कि संपर्क में आए थे पॉजिटिव केस के। और कुल मिलाकर फरीदाबाद से दो पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक गौतम, आपने जानकारी दी है तो लगा।